चलिए एक बार सभी बच्चे कमेंट करके बताएं आप सभी को वॉइस क्लियर जा रही है मेरी चलिए सभी बच्चे लाइव आ जाएं और कमेंट करके बताओ भाई वॉइस क्लियर जा रही है उसके बाद सेशन को स्टार्ट करेंगे सभी छात्रों को गुड इवन गुड इवनिंग चलो भाई प्रतिदिन की भांति आज हम लोग तैयार हैं एक बेहतरीन क्वेश्चन आज हम लोग के सेट में मिक्स क्वेश्चन रहेंगे और ये मिक्स क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं तो सभी भाई मेरे दोस्त मेरे बंधु एक बार कमेंट करके बताइए वॉइस क्लियर है आप सभी को रंजन राज जोहार प्रिंस कुमार जोहार प्रणाम चलिए भाई एक बार तमाम छात्र मुझे कमेंट करके बताएं आपको वॉइस एंड वीडियो दोनों क्लियर जा रही है उसके बाद सेशन को हम लोग स्टार्ट करेंगे चलिए सभी साथियों सभी साथियों को जोहार एक बार फिर से कमेंट करके बताइए क्लियर है आप सभी को जी हाँ एक बार जोर से बताएं भाई वॉइस क्लियर है सभी छात्र कमेंट करें उसके बाद सेशन को स्टार्ट करेंगे जी हाँ जोहार अभिषेक अभिमन्यु कुमार जी विकास सर क्लियर है चलिए भाई तो सबसे पहले छोटी सी इंफॉर्मेशन हर दिन की तरह जो भी बच्चे इस क्लास को पी डी लोग डाउनलोड करना चाहिएगा उसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है मैथ्स बाई सोनू सर यहाँ आके ज्वाइन कर लीजिए इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई दे दी गई है जो भी बच्चे जे के कोर्स के को लिए अदर जो भी हमारे कलर के एग्जाम है कॉन्स्टेबल के एग्जाम है उसके लिए आप बाय नाउ करना चाहते हैं तो हमारे भाई टेक्स्टबुक के प्लेटफॉर्म पे आप जाके वहां से बाय नाउ कर सकते हैं ठीक है और इसको पीडीएफ डी कहाँ मिलेगा आपको तो ये मैथ्स भाई सोनू सर टेलीग्राम चैनल यहाँ से मिल जाएगा जो भी बच्चे चैनल पर नए जुड़ेंगे इस वीडियो को बाद में देखेंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा यहाँ प्रतिदिन आपके लिए फ्री में वाई पे क्लासेस हमारी उपलब्ध करवाई जाती है चलिए तो इसी के साथ आज के सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं और आज के सेशन का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन लेके आते हैं देखिए प्यारा प्यारा सा क्वेश्चन है हाँ जी आज थोड़ा सा आप देखिएगा क्वेश्चन का लेवल अलग होगा चलिए पहला क्वेश्चन करके बताइए पहला क्वेश्चन क्या है तो पहला क्वेश्चन है छह घंटिया एक साथ बजने लगती है और क्रमशः तीन चार छः सात आठ बारह सेकंड के अंतराल पे बजती हैं तो ये कितने सेकंड बाद फिर से बजेंगी ये क्वेश्चन है पहला नंबर चलो भाई एक बार सभी तमाम छात्र मुझे कमेंट करके बताएं क्वेश्चन आपको क्लियर दिख रहा है ना चलिए पंकज कुमार पंकज कुमार वर्मा जी गुड इवनिंग सर गुड इवनिंग पंकज जी काजल काजल यादव गुड इवनिंग चलिए आज के क्वेश्चन मिक्स क्वेश्चन होंगे विकास नाग जी सर अब की बार 600 पार एकदम विकास जी 600 बिल्कुल पार होंगे कहीं से कोई दो मत की बात नहीं है चलिए तो जल्दी से फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर करिए तभी तो 600 पार होगा ना जी हाँ देखिए ये आपका जो फर्स्ट नंबर प्रश्न है मेरे दोस्त वो प्रश्न है हमारा एच का नाम आपने सुना होगा एच का नाम आपने सुना होगा और एल का भी नाम सुना होगा तो भाई पहला प्रश्न एस एंड एल के टॉपिक से उठाया गया है परंतु सर्कल वाले जो भी प्रश्न होते हैं वो आपके कहां से बनेंगे एल्सियम से बनेंगे तो भाई एल्सियम लेना है किसका किसका तीन चार छ सात आठ और बारह का एल्शियम लेना है एल्सियम लेने का एक तरीका ध्यान रखिएगा थ्री के टेबल जब पढ़ोगे इनमें से कोई नंबर आएगा तो थ्री को कैंसिल थ्री के टेबल में सिक्स होता है इसलिए थ्री को कैंसिल फोर के टेबल में एट आता है फोर को कैंसिल सिक्स के टेबल में ट्वेल्व आता है सिक्स को कैंसिल सेवन के टेबल में इनमें से कोई नहीं आता है एट के टेबल में नहीं आता है टोल अब इन तीनों का एल्शियम ले लो तो दो से लगाओगे तो सात आठ का होगा चार और इधर हो जाएगा छ फिर अगेन दो से ये लगेगा तो दो से लगेगा मेरे दोस्त सात आ जाएगा दो आ जाएगा इधर तीन हो जाएगा तीन गुना दो छः छः गुना सात छः का बयालीस बयालीस गुना बयालीस गुना चार आप तमाम छात्रों को पता होगा चार दुनिया आठ है चचों को सोलह हो जाएगा भाई एक सौ अड़सठ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू जी हाँ जी हाँ रूपेश काजल पंकज सबका सही आंसर है भाई राइट आंसर ऑप्शन नंबर टू हो जाएगा जो कि वन हंड्रेड सिक्सटी एट होगा बिल्कुल चलिए सभी बच्चों का क्लियर है विकास नाग जी भी प्रिंस जी सबने एक टू पे किया बेहतरीन इसी साथ पे आते हैं। प्यारा सा क्वेश्चन है ध्यान से करके बताइएगा क्वेश्चन नंबर टू में क्या करना है देखो बॉस क्वेश्चन है एक बगीचे में मोर और चार पैर वाले जानवर हैं इन सभी के पैरों की संख्या गिना जाए तो अंठानवे होगी और सिर की संख्या गिना जाने पे गिरना जाने पे 35 होगा तो बताओ भाई मोड कितने हैं यहाँ पे ये प्रश्न है ये रीजनिंग में भी आपको देखने को मिलता होगा और मैथ्स में तो मिलता ही मिलता है चलिए अभिमन्यु कुमार फाइव हंड्रेड फिफ्टी टू पिछला प्रश्न का आंसर आप कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं बॉस चलिए इस प्रश्न का आप आंसर करके बताइए प्रश्न नंबर आपके डिस्प्ले पे टू है और कमेंट करके बताए मुझे क्या होगा चलिए जी हाँ प्रश्न नंबर टू करके बताएंगे मुझे तमाम साथिया क्या, क्या होगा आंसर देखो भाई एक बगीचे में देखो इसको दो तरीके से बनाते हैं मान लो यहाँ पे पूछा है किसकी संख्या तो पूछा है मोड़ की संख्या तो हम मान लेते हैं कि बगीचे में मोर एक्स होगा और वाई होगा कौन भाई तो वार चार पैर वाले जानवर है चार पैर वाले जानवरों की जो नामकरण है हमने वाई कर लिया तो हम बोलेंगे चार पैर वाले कौन है वाई है अब इन दोनों को देखो भाई मोड़ की माथा गिनो या सिर गिनो या चार पैर वाले का सिर गिनो हमेशा सिर एक ही होगा तो यहाँ पे आपको ध्यान जाना चाहिए कि सिर की संख्या दोनों का पैंतीस दिया है मतलब जितना मोड़ होगा उतना ही सिर होगा जितना यहाँ चार पैर वाले जानवर होंगे उतना ही यहां होगा परंतु जब मोड़ की पैर काउंट करेंगे तो दो टू एक्स हो जाएगा और चार पैर वाले को जोड़ेंगे तो फोर वाई हो जाएगा इसके बराबर कितना दिया आपको तो चार पैरों वालों का अंठानवे दिया है देखिए यहाँ से आप इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल लीजिए तो भाई मोड़ की सिर की संख्या पता चल जाएगी देखिए तो x की वैल्यू निकालने के लिए ऊपर हम फोर से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि जब यहाँ फोर से आप मल्टीप्लाई कर देते हो तो देखो यहाँ पे फोर वाई है फोर वाई इक्वल हो जाएगा तो वन साइड फोर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ भी फोर से मल्टीप्लाई होगा यहाँ भी फोर से मल्टीप्लाई होगा साइन इधर प्लस है तो सब में माइनस ए कैंसिल अब देखिए भाई फोर एक्स माइनस टू एक्स बराबर टू एक्स बचेगा मेरे दोस्त और पैंतीस दूनी सत्तर सत्तर दूनी एक सौ चालीस माइनस अंठानवे तो बताओ कितना बचेगा तो इधर बच जाएगा दो और इधर बच जाएगा बॉस नौ नौ में से भाई इधर तेरह में से नौ जाएगा चार बचेगा अर्थात टू एक्स बराबर बयालीस तो एक्स बराबर कितना बच जाएगा इक्कीस बच जाएगा तो मोर की जो संख्या था मैंने एक्स माना था एक्स बराबर आ गया ट्वेंटी वन जी रूप आपने सही किया राइट आंसर इजकअल टू ट्वेंटी वन होगा चलो भाई राइट आंसर इजकअल टू ट्वेंटी वन होगा बेहतरीन चलिए सभी बच्चे एक बार कमेंट करके बताएं भाई चलिए यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर है जी पंकज जी का भी आंसर आ चुका है बेहतरीन चलिए सभी बच्चों का क्लियर है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा नंबर हमारा थ्री है थ्री नंबर आपके डिस्प्ले पे क्या कहना चाह रहा है देखिएगा ये क्या हो गया बॉस जस्ट सेकेंड थोड़ा सा रुक जाइए फिर से अगेन सही हो जाएगा ये।, ये इसको यहीं पे रख देते हैं जैसे है बिल्कुल एक मिनट जस्ट सेकेंड रुक जाइए हो जाएगा थोड़ा सही बॉस हम्म चलो भाई तो हम लोग क्वेश्चन नंबर कितने पे थे हम लोग क्वेश्चन नंबर थे थ्री पे है ना चलिए तीन नंबर क्वेश्चन करने के बाद आइए चार नंबर पे चार नंबर क्वेश्चन करके देखिए क्या होगा इसका आंसर चलिए देखिएगा ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए एक बार क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है चालीस चालीस लीटर के मिश्रण में पच्चीस परसेंट अल्कोहल है और पचहत्तर परसेंट पानी है यदि मिश्रण में दस लीटर पानी और मिला दी जाए तो नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत क्या होगा ये कमेंट करके बताना है चलो भाई सभी बच्चे कमेंट करके बताएं चालीस लीटर का मिश्रण देख लो भाई चालीस लीटर का मिश्रण है और इसी 40 लीटर में क्या कहा जा रहा है कि 25 परसेंट अल्कोहल और 75 परसेंट पानी है तो अगर हम ऐसे बात करें इसमें अल्कोहल की साधरता जो है और भाई वाटर की है जो कितना परसेंट है पच्चीस परसेंट चालीस का पच्चीस परसेंट होता है दस लीटर और पचहत्तर परसेंट हो जाएगा तीस लीटर यहां तक तो सभी बच्चे समझ जाएंगे अब कह रहे यदि दस मिश्रण में दस लीटर पानी मिला दिया जाए तो भाई वाटर को दस लीटर और मिला देंगे तो इसकी जो टोटल क्वांटिटी हो जाएगी कितना हो जाएगी तो ये हो जाएगा चालीस लीटर अब पूछा होगा मिश्रण में अल्कोहल की प्रतिशत क्या है अल्कोहल अभी भी दस लीटर है परंतु मिश्रण टोटल कितना हो गया चालीस और दस हो गया ये पचास लीटर में तो यहाँ परसेंटेज के लिए हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर दीजिए क्वेश्चन फिनिश जीरो से पूरा काट दो इसको दो बार में दो से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे ट्वेंटी परसेंट राइट आंसर हो जाएगा जी हाँ चलिए ट्वेंटी परसेंट राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त सबको क्लियर है चलिए पंकज कुमार बताइए भाई सबको क्लियर है जी हाँ, रुपेश ने भी बता दिया सर ट्वेंटी परसेंट होगा प्रिंस सौरभ कुमार सबका आंसर आ रहा है जी सौरभ प्रणाम चलिए भाई तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं फाइव पे और प्यारा सा क्वेश्चन एक और करके बताइए देखिए भाई क्वेश्चन आपके हैं ए फाइव करके बताइए भाई क्या होगा इसका आंसर कह रहा है कह है दो तीन चार पांच और छह से विभाज्य चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए मतलब की वैसी संख्या का आपको पता करना है कि दो से भाग दीजिए तीन से भाग दीजिए चार से भाग दीजिए पांच से भाग दीजिए या छह से भाग दीजिए छह से भाग दीजिए प्रत्येक स्थिति में शेषफल जीरो क्यों ये तो लिखा नहीं है पर आप कैसे करें तो जहां पे विभाज्य हो का मतलब होता है भाई शेषफल जीरो तो इन सभी से कटने वाली सबसे बड़ी सी बड़ी संख्या होगी सबसे बड़ी सी बड़ी संख्या उस तो इन्फ होगा परंतु सबसे छोटी संख्या हम लोग एल्शियम कहते हैं तो इनका एल्शियम निकालिएगा तो वैसा संख्या मिल जाएगा जो इस सबसे सबसे छोटी संख्या कटने वाला पता कर सकते हैं तो एल्शियम निकालने के लिए देख लीजिए अगर यहाँ से दो को कैंसिल कर लीजिए तीन को कैंसिल कर लेंगे चार रहेगा तो दो, दो गुना पाँच दस दस छः साठ इसका एल्शियम बराबर साठ हो जाएगा अब देखो एलसीएम आंसर नहीं होगा ये चार अंकों की बड़ी संख्या नहीं है तो एलसीएम से आपको चार अंकों की बड़ी संख्या में डिवाइड करना होगा चार अंकों की बड़ी संख्या होता है वो आप सभी को पता होगा चार गो नौ साठ से भाग देंगे छ बार में लगाइए इसको नहीं पहले तो एक बार में लगाइए इसको एक बार में जब लगाइएगा तो साठ बचेगा यहाँ पे यहाँ पे नौ बचेगा इधर बचेगा तीन फिर से लगाएंगे नौ उतारेंगे और इसको छ बार में अब लगाइए तो यहां हो जाएगा तीन सौ साठ अगेन यहाँ पे देखिए थर्टी नाइन बचा फिर से न उतरेगा फिर से छह बार में लग जाएगा तीन सौ साठ चला जाएगा रिमाइंडर जो बच के आएगा थर्टी नाइन आएगा अगर हम इस संख्या में से थर्टी नाइन को माइनस कर देते हैं तो बचता है भाई नाइन 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 सिक्स जीरो भाई चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गया जो तमाम संख्याओं से पूरी तरीके से विभाज्य होगी कमेंट करके बताओ भाई सबने आंसर किया है सही अभिमन्यु रूपेश सौरभ प्रिंस आप सभी तमाम छात्रों काजल सबका आंसर सही है बिल्कुल चलिए बेहतरीन सभी छात्र आंसर सही कर रहे हैं बेहतरीन विकास जी का भी आंसर आ चुका है और ये सभी बच्चे तमाम जो भी आंसर कर रहे हैं आज बिल्कुल ही सही कर रहे हैं लग रहा है कि आप लोग भाई साठ में साठ अंक लाने वाले हो मैथ में चलिए आपकी तैयारी की रणनीति से पता चल रही है मेरे दोस्त कि आप सभी तमाम छात्र साठ में साठ लेके आने वाले हो मैथ्स में चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स आपके डिस्प्ले पे है क्या कह रहा है पढ़िए ध्यान से क्वेश्चन को और करके बताइए जी हाँ गुड इवनिंग राज राज अनिता जी गुड इवनिंग चलो भाई क्वेश्चन नंबर सिक्स आपके डिस्प्ले पे है प्यारा सा क्वेश्चन है कमेंट करके बताइए क्या होगा आंसर देखिए यदि यदि एक राशि को साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है और पांच वर्षों में स्वयं की पांच बटा दो गुनी हो जाती है तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे ज्ञात करना है मेरे दोस्त देखो भाई रेट ऑफ इंटेस्ट ज्ञात करना है याद रखिएगा पांच वर्षों में फाइव इयर्स में फाइव इयर्स में स्वयं का फाइव बटा दो गुना हो जाता है देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला लिख लेना अगर आपको या तो टी पूछा जाए तो लिखना n गुना माइनस वन डिवाइडेड बाई आर इंटू हंड्रेड एकदम आसान तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हो तो इस फॉर्मूला से जरूर नोट कर लेना n गुना एन गुना एन गुना माइनस वन डिवाइडेड बाई आर इन हंड्रेड अगर यहाँ पे आर चाहिए तो टी नीचे चल जाएगा आर यहाँ आ जाएगा अब बोलोगे सर इससे क्वेश्चन ये कैसे बनेगा? तो देखो कितना गुना की बात कर रहा था तो ऊपर लिखोगे सर पांच बटा दो माइनस हमेशा एक डिवाइडेड बाई आर आर दिया है कि टी दिया है तो पांच वर्षो में तुमको आर पूछा है तो टी नीचे दिया होगा क्वेश्चन में देखो कितना साल दिया है पांच साल जब यहाँ पे आर पूछे तो टी नीचे ये हमेशा उलट फिर होते रहता है तो आर पूछा है इसलिए नीचे फाइव इन टू हंड्रेड चलिए क्वेश्चन हो गया फिनिश परसेंटेज जब रेट ऑफ इंटरेस्ट रहे तो परसेंटेज लगा देना इसको जब काटोगे तो आ जाएगा बीस बार में कट जाएगा ध्यान से देखो यहाँ पे दो आ जाएगा तो तीन में से पाँच में से दो जाएगा तो तीन बचेगा तो यहाँ पे थ्री बाई टू लिखेंगे और टू से इसको कैंसिल कर देंगे तो टेन आ जाएगा टेन इंटू थ्री करेंगे थर्टी परसेंट राइट आंसर हो जाएगा तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर थ्री चला जाना है बस चलिए सी जी राजनीता जी प्रिंस कुमार भाई रूपेश सभी तमाम छात्र थर्टी परसेंट के साथ जा रहे हैं बेहतरीन क्वेश्चन नंबर सिक्स है मिक्स क्वेश्चन का सीरीज है और ये प्रश्न आपके बहुत काम आएंगे गुड्डू जी गुड इवनिंग चलिए तमाम छात्र क्वेश्चन नंबर सेवन पे आ जाएं जाए नंबर क्वेश्चन करके बताइए क्या होगा देखिए प्यारा सा क्वेश्चन है आपके डिस्प्ले पे क्वेश्चन आज बेहतरीन दिख रहा होगा हर दिन की भांति हर दिन से कुछ अलग और कुछ बेहतरीन दिख रहा होगा यदि दो संख्याओं का अंतर चार है दो संख्याओं का अंतर चार है और इनके वर्गों का अंतर चौंसठ है देखो भाई x माइनस वाई बराबर चार दिया है दो संख्या अगर एक्स वाई होंगे और इनके वर्गों का अंतर दिया है वाई तो दो संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन होगी आपको पता है वाई जब घट रहा है तो वाई छोटी संख्या होगी इसकी वैल्यू निकालना है चलिए कितने बच्चे हैं जो इस प्रश्न को आंसर करेंगे प्रश्न नंबर है सेवन आपके डिस्प्ले पे चलिए टेलीग्राम पे पीडीएफ के लिए भाई यहाँ पे मैथ भाई सोनू सर के नाम से टेलीग्राम चैनल इसको जरूर ज्वाइन कीजिए और टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के नाम से हमारा ऐप है वेबसाइट है वहां जाके भाई कोर्स को बाय नाउ आप कर सकते हैं ओके okay, कोई नहीं बॉस चलिए लेक्चर देख लीजिए हो सके तो क्वेश्चन कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में रहेंगे चलिए भाई जीपी कुमारी गुड इवनिंग चलो भाई प्रिंस कुमार बी चलिए पहला आंसर आ गया भाई बी अभी तक और कोई बच्चे बी अर्थात छ आंसर आ रहा है छोटा वाला वाई की वैल्यू प्रिंस का कहना है मेरा कहना क्वेश्चन बनाने के बाद होगा चलिए देखिए कैसे क्वेश्चन को करना है देखिए बहुत ही आसान है दो तरीके होते हैं इस तरह के क्वेश्चन को एक तो ऑप्शन मेथड पुट कर दीजिए या तो एकदम शॉर्टकट है भाई इसको सॉल्व कर लो अगर इसकी वैल्यू आप जानते हो तो आपको पता होगा एक बार लिखोगे एक्स माइनस वाई और एक बार लिखोगे एक्स प्लस वाई बराबर चौसठ लिख सकते हो बोलोगे सर एक्स माइनस वाई की वैल्यू चार है तो यहाँ पे चार कर देंगे तो x प्लस वाई की वैल्यू यहां से फाइंड हो जाएगी चौंसठ इसको काट देंगे तो हो जाएगा सोलह तो x प्लस वाई बराबर भाई सोलह आ गया सही लिखा है मैंने बिल्कुल सही लिखा है देखो भाई चार से कट जाएगा सोलह चौगा चौंसठ होता है x माइनस वाई की वैल्यू चार था यहाँ पे अगेन चार लिख देंगे और इसको इक्वेशन बनाएंगे तो वाई से वाई कट गया टू एक्स बराबर बीस हो जाएगा तो टू एक्स बराबर बीस हो जाएगा तो एक्स बराबर यहाँ से दस हो जाएगा एक्स बराबर कितना हो जाएगा दोस्त दस हो जाएगा अब सोचो कि एक्स की वैल्यू दस है तो वाई की वैल्यू क्या रखा होगा कि चार आएगा तो बोलेगा छह रखेंगे सर तो वाई का सही मान ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बी हो जाएगा वाई की मान छह रहेगा तभी तो घट्टे पे चार आएगा चलिए दस कैसे होगा भाई एक्स की वैल्यू दस नहीं होगा एक्स की तो बड़ा है ना तो पूछा है दोनों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी तो छोटी संख्या जो हो जाएगा मेरा वो तो छह होगा बड़ी संख्या जो होगा दस होगा ठीक है चलिए काजल जी का सही आंसर है भाई चलिए तमाम छात्र क्वेश्चन नंबर सेवन पे क्लियर है एक बार जो भी बच्चे गलती के वो लोग कमेंट करके बताएं क्लियर हुआ कि नहीं हुआ चलिए प्यारा सा क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को तो मुझे पता है कि हर बच्चे करके बता ही देंगे फिर भी मैंने लेके आया आपके लिए देखते हैं वह सबसे छोटा पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसे 1024 में गुना करने पे परिणामी संख्या पूर्ण घंजा गंज, घन का मतलब होता है क्यू क्यू के रूप में बन जाना चाहिए संख्या है मेरा 1024 इसमें किससे से क्यू कर गुना कर दें चार से गुना करिएगा तब क्यों बनेगा दो से करेंगे तब या सोलह से या आठ से ये आपको कमेंट करके बताना है चलिए आठ नंबर का प्रश्न है मेरे दोस्त कौन बच्चा पहले बाजी मारेगा मुझे इंतजार है बेसब्री से इस प्रश्न का देखिए भाई 1024 में इनमें से कौन सी ऑप्शन से गुना किया जाए कि यह क्यूँ बन जाए एक क्वेश्चन आपको डिस्प्ले पे दिया गया है चलिए जल्दी से बिना लेट किए हुए भाई बता दो देखो भाई जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले ना और कुछ नहीं समझ में तो तोड़ दो इसको फैक्टर कैसे तोड़ते दो से लगाएंगे पांच आ जाएगा भाई पांच धोनी दस होता है फिर यहाँ पे दो से लगाएंगे भाग देंगे एक आएगा इसको दो आ जाएगा पांच सौ बारह ऐसे यहीं पे मेरे को दिख गया पाँच सौ बारह आठ का क्यू है, है ना जी नहीं और तोड़ना है तोड़ दो चाहे छोड़ दो ये आठ का क्यू मिल गया अब दो एक बचा हुआ यहां पे तो दो में क्या से गुना करेंगे कि क्यू बनेगा तो दो गुना दो तभी तो क्यू बन जाएगा ये भी तो एक मैक्सिमम इसमें कितने नंबर से आपने मल्टीप्लाई किया चार से तो राइट right आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अगर आठ के क्यू में दो के क्यू से गुना कर दिया जाए तो क्वेश्चन हो गया फिनिश तो इसमें जो मल्टीप्लाई हो जाएगा भाई कितने से हो जाएगा चार से होगा क्यों क्योंकि यहाँ दो अकेला पर रहा था ये तो देख रहे हैं पांच सौ बारह किसका क्यू है तो बोलोगे आठ का क्यू है परंतु दो अकेला है दो के साथ दो को मिलेगा और दो तब क्यू बनेगा तो दो लाने के लिए चार से गुना करना होगा चार ऑप्शन में था भी तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, छ नहीं होगा बॉस चलिए क्लियर है सभी बच्चों का सागर सिंह जी भी जुड़ चुके हैं विकास सही है आपका सुजीत मंडल जी गलती कर दिए प्रिंस का सही है रुपेश सही है सौरभ चलिए भाई क्वेश्चन नंबर नौ करके बताइएगा नौ नंबर क्वेश्चन करके बताना है क्या होगा आंसर देखिएगा नौ नंबर क्वेश्चन इधर उधर नहीं होना चाहिए नौ नंबर क्वेश्चन इलेक्शन से है और इलेक्शन आपके बहुत ही नजदीक है तो इस क्वेश्चन की पूछे जाने की संभावना ज्यादा बनता है बस चलो जरा सा इलेक्शन की रणनीति समझिए कैसे क्या होता है और कमेंट करके बताइए इलेक्शन से क्वेश्चन है प्यार से पढ़िए क्वेश्चन को और पढ़ के बताइए इसका आंसर क्या होगा चलिए देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में चुनाव में आठ परसेंट मतदाताओं में ने मत नहीं डाले मान लो कि अगर इलेक्शन सौ वोटों का हो रहा है या सौ का हो रहा होगा तो इसमें आठ लोग अगर वोट नहीं डालते हैं तो डालेंगे कितने लोग नाइन्टी टू लोग अब देखिए जीत या हार इसी वोट से होगा परंतु जो जिताने की क्वेश्चन की परसेंटेज वो क्या कह रहा है तो देखिएगा दो उम्मीदवारों को चुनाव में लड़ते हैं जिसमें से जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 48 परसेंट देखिए इसको वैलिड वोट बोलते हैं वैध मत बोलते हैं इसको कुल मत बोलते हैं तो जीतने वाला जो विजेता है ना वो कुल मतों का 48 परसेंट लाया मतलब 100 का 48 परसेंट बराबर 48 वोट होता है अब जरा सा हमको कमेंट ब बत करके बताओ है हारने वाला कितना लाया होगा तो हारने वाला लाया होगा सर नाइनटी टू तो टोटल टो वोटे पर आए जितने वाला कितना ले लिया अड़तालीस ले लिया तो यहां से हम घटा लेंगे तो बारह में से आठ जाएगा चार बचेगा बॉस और यहाँ आठ में से चार जाएगा चार चौवालीस वोट हारने वाला लाएगा या चौवालीस परसेंट कर लो या अड़तालीस परसेंट कर लो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ वोटों का जो डिफरेंस है वो कितने परसेंट का है चार परसेंट का है या तो चार परसेंट से यह जीत गया या तो चार परसेंट से यह हारेगा यही बात समझना है आपको अब ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन में कह क्या रहा था वह इतना मतों से चुनाव जीत गया है कितना मतों से इगारह सौ मतों से ये चार प्रतिशत इगारह सौ मतों को प्रेजेंट कर रहा है तो ग्यारह सौ मतों को चार प्रतिशत से भाग दे दीजिए और पूछा है कुल डाले गए मतों तो कुल डाले गए वोट सौ थे सौ से गुना कर दीजिए जैसे ही सौ को काटिएगा चार से पच्चीस बार में कैंसिल होगा और पच्चीस को करेंगे तो हो जाएगा दो सौ पचहत्तर पे दो जीरो अब देखो भाई दो सौ पचहत्तर पे दो जीरो ऑप्शन नंबर थ्री में आपको दिख रहा होगा तो राइट right आंसर भाई ऑप्शन नंबर थ्री होगा और इसका कंप्लीट पीडीएफ के लिए भाई मैस भाई सोनू सर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो वहां से प्रतिदिन आपको पीडीएफ यहां से मिलता रहेगा इसके लिए साथ में कभी कभी वाईटी हमारी यूट्यूब जो चैनल है वो नोटिफिकेशन आपको नहीं देता है तो वहां पे आपको पंद्रह मिनट पहले नोटिफिकेशन भी दे दिया जाता है चलिए सभी बच्चों का रूपेश जिप्पी सागर नंजन चलो भाई सौरभ प्रिंस विकास सबका सही है इस बार चलिए अब आपकी तैयारी में सौ चांद लग चुके हैं बस उस दिन का इंतजार है जिस दिन आपको एसओ बन के लौटोगे चलो भाई क्वेश्चन नंबर ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर है दस ये आपके एल्जेब्रा के कुछ कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा तो क्वेश्चन को आप आराम से कर लोगे पी इजकल टू एट पॉइंट वन फाइव क्यू इजकल टू नाइन पॉइंट जीरो सिक्स आर टू माइनस वन से, मतलब सेवनटीन पॉइंट टू वन है तो पी क्यू प्लस क्यू 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 प्लस आर क्यू माइनस थ्री पी क्यू आर का मान इनमें से कौन सा होगा चलिए कौन बच्चा इस प्रश्न का आंसर पहले करेगा मुझे इंतजार है अब तक आंसर तो आ जाना चाहिए था चलिए प्रश्न नंबर आपके डिस्प्ले पे है दस कमेंट करके बताइए दस नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा ए होगा बी होगा सी होगा या डी होगा चलिए देखिए कैसे करना है आपको पता है ना एक फॉर्मूला तो पढ़े होंगे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या होता है भाई इसी में आप लोग लिखे होंगे ये भी सीखे होंगे माइनस ए बी सी बराबर क्या होता है तो ए तो प्लस बी प्लस सी समझ रहे बातों को और फिर जाके आपका होता था ए स्क्वायर इधर डॉट 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 इसको अभी रहने दो तो आपको पता है कि ए प्लस बी प्लस सी का मान अगर जीरो हो जाता है तो ये पूरी संख्या का मल्टीप्लाई होने के बाद क्या हो जाएगा जीरो बन जाएगा तो देखो भाई इन तीनों को जोड़ के जब देखोगे एट पॉइंट वन फाइव प्लस कितना है भाई नाइन पॉइंट जीरो सिक्स इसको जोड़ोगे जब दोनों जोड़ में है तो कितना हो जाएगा तो छाँच ग्यारह एक एक दो हो जाएगा बॉस और नौ और कितना होता है नौ और आठ हो जाएगा सत्रह सत्रह दसमलव तो दो एक और उधर क्यू आर बराबर है कितना पी बना क्यू हुआ और आर की वैल्यू है माइनस सेवनटीन पॉइंट टू वन अर्थात ए तीनों को अगर जोड़ा जाए तो जीरो रिजल्ट बन रहा है किसको भाई पी क्यू आर को जब पी क्यू आर इजकल टू तो जीरो होगा तो ये पूरा संख्या ये भाई इतना बराबर भी आगे किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो हमेशा आंसर जीरो ही देगा जीरो का प्रोडक्ट हमेशा जीरो ही देता है चलिए भाई तो आई होप सभी बच्चे ने जीरो के साथ गए बेहतरीन राइट आंसर भाई ऑप्शन नंबर फोर होगा जीरो होना चाहिए चलिए आइए क्वेश्चन नंबर करके बताइए टाइम वर्क का क्वेश्चन है बनाइए प्यारा सा क्वेश्चन है सभी बच्चे किए होंगे दो चित्रकार एक्स और वाई एक अपार्टमेंट की रंगाई में छह दिन का कर सकते हैं देखिए भाई एक्स और वाई मिल के दोनों अपार्टमेंट को छह दिनों में कलर कर सकते हैं एक्स अकेले कार्य को चौबीस दिनों में कर सकता है वाई अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में करेगा ये आपसे पूछा गया है प्यारा सा क्वेश्चन है एट डे आंसर आया है सागर सिंह का और कुछ बच्चे का मुझे अभी भी इंतजार है कोई आंसर करना चाहेंगे तो करके जल्दी बताइए जी रुपेश जी का भी आठ दिन आ रहा है देखिए भाई कैसे करना है सबसे पहले इन दोनों को एलसीएम लिया जाता है तो टोटल वर्क इज इजकल टू हो गया ट्वेंटी फोर हमेशा ट्वेंटी फोर को डिवाइड करना है इसके दिन से तो ये छह दिन में कर रहा था इफिशियंसी चार चौबीस दिन में कर रहा है इफिशियंसी एक अब बताओ मेरे बॉस एक्स प्लस वाई बराबर चार है एक्स बराबर एक है तो वाई की वैल्यू कितना हो जाएगा तीन हो जाएगा यहां तक कोई दिक्कत नहीं है अब हमको जरा सा वाई की वैल्यू बताओ y की वैल्यू क्या रहेगा तो y बराबर हो जाएगा 24 बटा तीन बराबर एक कितना आ जाएगा आठ दिन का समय लेगा टोटल काम 24 है तीन इफिशियंसी है तीन से भाग दीजिए आठ दिन आ जाएगा तो राइट आंसर भाई सभी बच्चों ने सही किया ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा फोर हो जाएगा और फोर का दिया गया है एट डे जी हाँ काजल वर्मा सॉरी काजल यादव जी आपने गलती कर दिया आठ आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर ठीक है मोहनी सिन्हा जी का सही है भाई काजल यादव जी हाँ आठ दिनों का बेहतरीन चलो भाई पार्टनरशिप आप लोग पढ़े हो पार्टनरशिप पढ़े हो तो इस क्वेश्चन को प्यारा सा क्वेश्चन है क्वेश्चन का आंसर करके बताइएगा और फिर से मैं बता रहा हूँ पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक है भाई ज्वाइन कर लो महेश भाई सोनू सर और नहीं है तो भाई डायरेक्ट सर्च करके ज्वाइन कर लो क्योंकि पीडीएफ और वीडियो वहीं पे मिलेगा आज के क्वेश्चन का लेवल अच्छा एग्जाम अच्छा है सर एग्जाम टाइप बिल्कुल आज क्वेश्चन बन रहा है तो अच्छा है चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर ध्यान से देखिए बारह एक निश्चित राशि ए बी सी डी इस प्रकार विभाजित है कि ए बी का हिस्सा ए इज टू बी का कितना दिया है तो ए इज टू बी का दिया है भाई थ्री टू फोर दिया है ठीक है फिर क्या कह रहा है बी इज टू सी का बी इज टू सी का दिया है फाइव इज टू फोर दिया है समझ रहे बातों को और भाई सी इी क्या दिया है सी इी क्या दिया है तो नाइन इज टेन दिया है कोई दिक्कत अब देखिए ए और सी के हिस्सा का अंतर कितना दिया है भाई ए दिया है बत्तीस सौ चालीस तो डी का हिस्सा पूछा है जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले सबसे पहला कार्य ए बी सी और डी निकालना होता है रेशियो में देखिए एक शॉर्टकट तरीका आप लोग कैसे करते हैं आपको पता होगा परंतु इसको ए बी सी डी निकाल लेना है पहले मेरे तरीका तो से आइएगा तो ध्यान से देखिएगा फर्स्ट वाले नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं किसको भाई फर्स्ट वाले नंबर को तो एक की वैल्यू निकलता है थ्री इंटू फाइव हो जाएगा कितना भाई पंद्रह पंद्रह गुना नौ कर देंगे तो 135, एक सौ पैंतीस एक किसकी वैल्यू हो गया ए का हो गया बी की अगर वैल्यू चाहिए तो फिर से ऐसे कर लो पंचों को बीस अब बीस गुना नौ कर बॉस देखो इस तरीके से बी के लिए इधर से आके नीचे उतर जाइए पांच गुना चार बीस बीस गुना नौ एक सौ अस्सी हो जाएगा ठीक है और जब सी की वैल्यू चाहिए तो इधर से आ जाओ सी की वैल्यू आ जाए तो इधर से आ जाओ तो चार गुना चार उतना होता है सोलह और सोलह गुना करोगे नौ तो कितना हो जाएगा भाई एक सौ चौवालीस ठीक है दोस्त अगर आपको टेबल नहीं क्लियर है तो इसमें हम कुछ नहीं कर पाएंगे और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करोगे तो भाई निकल जाएगा डी तो चार गुना चार सोलह सोलह गुना दस करोगे कितना हो जाएगा एक सौ साठ हो जाएगा ये तमाम संख्याओं का रेशियो है जो आपको निकल गया किसका भाई ए बी सी डी का अब देखो भाई दो पांच से कट रहा है दो से कट रहा है कटता है तो काटो नहीं तो छोड़ दो यहीं पे अब इसमें क्या बोला है ए और सी का डिफरेंस दिया है बत्तीस सौ चालीस तो बत्तीस सौ चालीस जो है डिफरेंस है किसका किसका ए और सी का ए और सी का मतलब फर्स्ट और थर्ड का तुम यहाँ पे डिफरेंस देख रहे हो कि एक और इधर कितना है 135 है तो यहाँ पे भाई 14 में से पांच जाएगा तो नौ बच जाएगा यहाँ पे भाई खत्म मतलब नौ का अंतर है गुना पूछा है आपसे डी का हिस्सा डी बराबर है 160 9 नौ से इसको काटिए तो कटेगा क्या नौ से काटेंगे नौती सत्ताईस और नौ छ का चौवन ठीक है बॉस तो तीन सौ गुना एक देखिएगा जीरो जीरो तो आएगा ही लास्ट में दो जीरो उसके बाद आ जाएगा छः छत्तीस दो जीरो के बाद भाई छः किस में है तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फोर के साथ होगा एक बार आप लोग मल्टीप्लाई करके कंफर्म कर दो जी हां चलिए तमाम छात्रों का सही है नाइनटी सिक्स हंड्रेड रुप चलो भाई सही है मोनि मोहनि सिन्हा जी ने का सही है भाई सबका सही है विकास सागर चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं बारह के बाद 13 नंबर देखिएगा क्लियर है कहीं से दिक्कत हो बोलिएगा जरूर सर दिक्कत हो रहा है फिर से उसको समझा देंगे बता देंगे नंबर क्वेश्चन करके बताइए देखो भाई एक ऑप्शन छुप गया इस प्रश्न में तो इसको ले आते हैं अब सबसे ज्यादा डर लगता है कब क्वेश्चन गायब हो जाता है चलो भाई ठीक है अब चलिए कमेंट करके बताइए भाई यदि एक धनात्मक पूर्णांक n है और से विभाज्य है एक ऐसा नंबर है जो सात से कट जाता है पूरी तरीके से मतलब जीरो रिमाइंडर देता है शेषफल अगर किसी संख्या में भाग देने पे तीन बच रहा है क्या बच रहा है जब रिमाइंडर दे रहा है तो कितना दे रहा है तीन दे रहा है शेषफल तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या निम्नलिखित में से कौन सी संख्या को सात से विभाजित करने के लिए करने पे जीरो दे जोड़ना चाहिए यह प्रश्न है आपका तो एन प्लस फोर पहला आंसर आया है चलिए सभी बच्चे एन प्लस फोर के साथ ही जा रहे हैं जो कि सी में दिख रहा है मुझे बेहतरीन है देखो भाई अगर आप समझोगे तो कहना इसका यह है कि जब हम किसी संख्या सात से एन को विभाजित करते हैं एन को विभाजित करते हैं यहाँ पे एक एन नंबर है तो रिमाइंडर जो शेषफल आता है वो तीन बचता है तो जब सात से विभाजित करें जीरो बचने के लिए क्या रखना होगा तो इसमें क्या जोड़ दें कि सात से कट जाएगा तो बोलोगे सर चार जोड़ दीजिए तो पूरा पूरा सात से कट जाएगा तो यही चार यहां भी जुट जाएगा तो राइट आंसर भाई ऑप्शन नंबर थ्री एन प्लस फोर हो जाएगा हाँ जी सभी बच्चों ने सही आंसर किया राइट आंसर भाई एन प्लस फोर हो जाएगा बिल्कुल चलो आज का क्वेश्चन बनाने में आप सभी को मजा आ रहा होगा अब उसी मजा को थोड़ा कष्ट में बदलने के लिए चौदह नंबर क्वेश्चन को मैं लेके आया हूं चला करो जहां आपके एडवांस के क्वेश्चन दिखते हैं अगर पिछले दो सेशन आप लोग दिखे होंगे तो भाई इस क्वेश्चन को भी आराम से आप लोग कर लोगे ठीक है देखिए एक लंबतीय बेलन की ऊंचाई और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सात सेंटीमीटर और सत्तर पाई है भाई अब इसकी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा ये पूछा जा रहा है आपसे चलो भाई कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या होगा चलिए सभी बच्चे कमेंट करेंगे देखो भाई प्रश्न कौन सा है प्रश्न नंबर है चौदह ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है प्रश्न नंबर चौदह है एक लंबी बेलन की ऊंचाई और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सात सेंटीमीटर और सत्तर पाई है आप लोग सिलेंडर की आकृति जरूर देखे होंगे थ्री में आता है भाई और सिलेंडर में आपको पिछले क्लास में जैसे मैंने पढ़ाया भी था और बताया भी है कि भाई इसकी जो हाइट होती है वो कितना दिया है आपको सात सेंटीमीटर और दूसरा इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये वाला जो पार्ट का होगा वक्र पृष्ठ जो गोल बाहर वाला दिख रहा है उसका क्षेत्रफल दिया है तो क्षेत्रफल बराबर होता है टू पाई आर समझ रहे बातों को टू पाई आर एच बराबर हो जाता है सत्तर पाई दिया है क्वेश्चन में ठीक है बस अब यहां से देखो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा दो से अगर काटना चाहते हो तो काट दो पैंतीस आ जाएगा अब आर बराबर हो जाएगा भाई पैंतीस बटा एच और एच की वैल्यू दिया है सात मतलब रेडियस हो गया पांच सेंटीमीटर कोई दिक्कत नहीं है अब इसका बोला है टोटल सरफेस एरिया ये क्या बोला है भाई टोटल सरफेस एरिया पूछा है टोटल सरफेस एरिया सेम होता है उसको में क्या होता है टोटल सरफेस एरिया बराबर होता है टू पाई आर और यहां पे होता है r प्लस एच हो जाता है यही होता है टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है ना जी तो टू की वैल्यू टू रहने दो पाई की वैल्यू मल्टीपाई है तो ऑप्शन में देखो पाई दिया इसलिए हम पाई छोड़ दे रहे हैं r की वैल्यू आपने कितना निकाला तो r बराबर फाइव निकाला फाइव रहने दो मल्टीप्लाई देखो भाई पांच और सात कितना हो जाएगा जुटने पर बारह हो जाएगा बारह से गुना कर देंगे तो 12 पचेस 60 और 60 गुना दो बराबर 120 पाई राइट आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर फोर में दिख रहा है जी हाँ सभी बच्चों का सभी साथियों का सही आंसर है भाई 120 पाई होगा बिल्कुल सागर प्रिंस रंजन सौरभ काजल चलो भाई क्लियर है थ्री पढ़ाने का कुछ तो फायदा हुआ चलिए अब ज्योमेट्री से क्वेश्चन है सर्कल से क्वेश्चन है अब इसमें देखते कौन बच्चा बाजी मार के ले जाएगा प्रश्न का आंसर सबसे पहला दी गई आकृति में जीवा ए बी और सी डी एक दूसरे को एल बिंदु पे क्रॉस करती यहां पर जो सेंटर पे इन दोनों का जो क्रॉसिंग पॉइंट है एल है अब कह रहा है एल बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है सी एल ज्ञात करना है भाई सी और एल की लेंथ पता करना है मतलब ए जो लेंथ दिया है और डी का सेंटीमीटर चलिए कमेंट करके बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा हम्म प्रश्न नंबर पंद्रह है बेहतरीन प्रश्न है मेरे दोस्त जल्दी से करके बताओ क्या आंसर होगा और तमाम साथियों जल्दी जल्दी आप लोग प्रैक्टिस पे लग जाइए अब जितना ज्यादा ज्यादा करिए क्योंकि भाई आप सभी को पता है इस बार जे लेने वाली है एग्जाम चलो भाई देखो अगर हम बात करें तो यहाँ पे आकृति में जीवा ए बी ये हमारा जीवा ए बी है और ये हमारा जीवा सी डी है किसी भी वृत्त के पे दो एक कौन से एक बिंदु से दूसरे बिंदु पे खींची गई लंबाई को हम लोग रे, रेखाखंड को क्या बोलते हैं जीवा बोलते हैं फिगर अच्छे से नहीं दिख रहा है ओके बॉस देखो दिखा देते हैं तो सी से हम शुरू करते हुए फिगर को इस तरीके से दिया है और ये आकृति आपको अब अच्छे से दिखेगी चलो ठीक है और इसी पे जीवा दो को दिया है एक जीवा ऐसा है दूसरा जीवा ऐसा है दोनों एक दूसरे से एल बिंदु पे प्रतिच्छेदित करती है ए वाला यहाँ से यहाँ का लेंथ 6 सेंटीमीटर दिया है इसलिए इसको लिख देते हैं हम यहाँ पे छह सेंटीमीटर है ए वाला लेंथ दिया है तीन सेंटीमीटर ए वाला लेंथ दिया है आठ सेंटीमीटर और ए वाला लेंथ वाट दिया है पूछा है चलो कुछ बच्चे चार के साथ आ रहे हैं कुछ बच्चे पांच के साथ आ रहे हैं कुछ बोल रहे हैं फिगर ही क्लियर नहीं है देखो भाई सिंपल मेथड है दुखो एकदम याद कर लेना बाद जब एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करे तो एकदम आसान हो जाता है क्या ए एल इंटू एल बी देखो ए एल इंटू एल बी बराबर सी एल इंटू एल डी होगा मतलब एक ही रेखा के दो पार्टों में मल्टीप्लाई कर देना है और सेंटर से जहां से कट रही है आपस में बराबर कर देना तो आठ गुना तीन हो जाएगा इधर चौबीस और इधर तो है ही नहीं छ है और इधर हमारा एक्स है तो अब इसको काट दो छे चौका चौबीस होता है तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा बस चार आ जाएगा कमेंट करके बताइए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ चलिए जी हाँ सभी बच्चों को आई होप क्लियर हो गया होगा जी हाँ काजल का आंसर चार आ गया बेहतरीन एकदम याद रख लेना सेंटर किसी भी पॉइंट पे सेंटर जरूरी नहीं कहीं भी एक दूसरे से प्रतिच्छेदित कर दे तो इन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के आपस में बराबर हो जाते हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं प्रश्न नंबर सोलह सा है मिक्स क्वेश्चन की सीरीज है और इसमें भाई सोलह नंबर क्वेश्चन करके बताइए क्या होगा देखिए एक वस्तु को 13.5% परसेंट की लॉस पे बेचा जाता है यदि इसे ग्यारह रुपए अधिक में बेचा जाता तो 9.5% परसेंट की प्रॉफिट होता तो वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या होगा यह आपसे पूछा जा रहा है चलिए यह प्रश्न आपके सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से है अर्थात प्रॉफिट एंड लॉस के चैप्टर से दिया गया है लाभ हानि जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं देखिए याद करिए सबसे पहले बोलहा है किसी वस्तु को थर्टीन पॉइंट फाइव परसेंट लॉस पे बेच रहा है तो लॉस परसेंटेज अगर देखा जाए तो थर्टीन पॉइंट फाइव परसेंट है ऐसा इसने क्या कर दिया कि यही लॉस प्रॉफिट में बदल गया तो उसके लिए इसने भाई एक हजार एक सौ चार रुपए अधिक में बेच दिया तब तो ये जो लॉस था वो बदल गया प्रॉफिट में प्रॉफिट हो गया नाइन तो देखो ये जो वैल्यू है ना परसेंटेज वैल्यू जब बोलेंगे इसको तो याद रखना है एक बार प्रॉफिट है दूसरे बार लॉस से दोनों जुट जाता है क्या होता है जुट जाता है तो इसको जोड़ेंगे तो पांच और पांच दस हो जाएगा बॉस और नौ और इधर तीन बाई बारह एक तेरह हो जाएगा बॉस और इधर हो जाएगा मेरा तेईस दशमलव लिख लो यहाँ पे तेईस दशमलव प्रतिशत बराबर ये हो जाएगा ठीक है अब देखिए दो तरीका है इसको डिवाइड कर दो तेईस से और जितना की वैल्यू पूछी है सीपी पूछा होगा तो सौ से गुना कर दो आपको सीपी ही पूछा गया है राइट आंसर आपको मिल जाएगा चलिए सीपी ही पूछा गया है राइट आंसर कमेंट करके बताइए जी हाँ अगर इसको काट दीजिएगा तो ये अड़तालीस बार में कट जाएगा और अड़तालीस पे दो जीरो इधर बैठ जाएगा बहुत तो अड़तालीस सौ रुपए के साथ आप तमाम छात्रों को जाना चाहिए जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर थ्री है चलिए सभी बच्चों का सही है फोर्टी थ्री फोर्टी एट हंड्रेड बिल्कुल क्वेश्चन था बिल्कुल सबका आ गया भाई सबका आंसर आ गया काजल रंजन सागर प्रिंस सही कर दिया रुपेश चलिए बेहतरीन इसी के साथ सोलह नंबर के साथ हम लोग सत्रह नंबर प्रश्न की ओर आते हैं देखिएगा प्रश्न का लेवल आसान सा प्रश्न है पर कहीं गलती ना हो जाए ध्यान से बातों को पढ़िए पहले प्रश्नों को पढ़िए ध्यान से दो अंकों वाली एक संख्या में यहां तक क्वेश्चन खत्म इससे समझ जाते हैं कि अंक जो है दो अंकों वाली एक संख्या है इकाई अंक दहाई अंक का चार गुना है ये पॉइंट को ध्यान से देख लीजिए दहाई इकाई अंक इकाई अंक इधर वाला होता है और दहाई अंक इधर वाला होता है तो इकाई अंक दहाई अंक का चार गुना है तो देखो इसका भी ये चार गुना है इसका तो चार गुना है नहीं कट गया इसका भी ये भी चार गुना है पर इसका चार गुना नहीं है तो दो ऑप्शन यहीं से खत्म यदि संख्या में चौवन जोड़ दिया जाए दो खत्म हो गया एक है चौदह चौदह में आप चौवन जोड़ दो और दूसरा है अट्ठाईस अट्ठाईस में चौवन जोड़ दो तो अंक आपस में बदल जाते हैं अब देखो चौदह में चौवन जोड़ोगे तो चार चार आठ और पांच एक हो जाएगा छह अड़सठ देखो इसको जब बदलेगा तो इकतालीस होना चाहिए था ये बदल नहीं रहा मतलब ये भी खत्म तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर थ्री हो जाएगा इसको जब चौवन जोड़ेंगे तो देखो आठ हजार बारह की दो हो गया बहुत और दो और पांच सात एक आठ हो गया देखो बिरासी बन गया अर्थात यहाँ पे अट्ठाइस था इसको चौवन जोड़ते ही पलट गया कि नहीं पलट गया तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा थ्री हो जाएगा जी हाँ चलो भाई अट्ठाइस के साथ सभी बच्चे गए हैं बिल्कुल सागर सौरभ काजल सुजीत रुपेश प्रिंस एक बार सभी अट्ठाइस के अट्ठाइस बच्चे वीडियो को लाइक कर दो बॉस क्योंकि आंसर भी अट्ठाइस है हमारा है ना और अभी प्रेजेंट में 28, 29 बच्चे लाइव भी हैं ना देखिए भाई सम चतुर्भुज का प्रॉपर्टी आप लोग पढ़ चुके हैं बेसिक क्लास में मैंने पढ़ा चुका हूं तो बताओ भाई एक सम चतुर्भुज समझ रहे हैं सम चतुर्भुज का भाई एरिया सम चतुर्भुज का डायगोनल दिया गया है कितना दिया गया बारह सेंटीमीटर और सोलह सेंटीमीटर सम चतुर्भुज की भुजा की लंबाई पूछी है देखिए सम चतुर्भुज भाई जिसकी चारों भुजाओं आपस में बराबर तो होंगी परंतु ये जरूरी नहीं है ये जरूरी नहीं है कि प्रत्येक कोण नब्बे डिग्री का हो नब्बे डिग्री होगा मतलब वो वर्ग बन जाएगा चलिए ये सम चतुर्भुज है जिसका डायगोनल दिया गया है भाई d1 और d2 कितना दिया गया है तो 12 और 16 तो देखो भाई डायगोनल में एक तो ये हो जाएगा छोटा वाला साइड और एक हो जाएगा बड़ा वाला देखिए तो बड़ा वाला जो होगा लेंथ उसको हम लोग बोल लेते हैं सोलह है और छोटा वाला जो लेंथ होगा उसको हम बोल लेते हैं बारह है अगर ध्यान से देखिए तो याद रख लीजिएगा सम चतुर्भुज पे यहाँ पे जो प्रत्येक एंगल बनता है ना सबके सब एंगल 90 डिग्री का होता है प्रत्येक कोण पे जो एंगल बनेगा वो कितना डिग्री का बनेगा 90 डिग्री का जिसके कारण ए वाला जो साइड होता है ये हाइपोटेनस बन जाता है जिसको हम लोग कर्ण बोलते हैं ठीक है बॉस अर्थात यहाँ पे समझो कि ये पूरा का पूरा सोलह है तो ये वाला पार्ट जो यहाँ से यहाँ होगा वो आठ होगा और ये वाला पार्ट पूरा का पूरा बारह था तो ये छ होगा और आपको पता है कि ए वाला जब यहाँ नब्बे डिग्री का एंगल है तो रूट अंदर आठ का स्क्वायर जो कौन सा हो जाएगा छ का स्क्वायर हो जाएगा ट्रैंगल के कारण तो ये आ जाएगा बॉस कितना चौसठ और प्लस छत्तीस कर दोगे तो बन जाएगा भाई कितना छत्तीस है यहाँ पे तो कितना हो जाएगा सौ और सौ को जब बाहर करोगे तो बन जाएगा दस ऐसे ट्रिपलेट भी होता है याद रखना थ्री फोर फाइव अब देखो ये तीन का मल्टीपल दो बार में है ये चार का मल्टीपल दो बार में ये पांच का मल्टीपल दस हो जाता तो दस इसकी भुजा हो जाएगी ऑप्शन नंबर वन इसका राइट आंसर हो जाएगा देखो जी हाँ ट्रिपलेट है बिल्कुल बलराम जी ट्रिपलेट है विकास सबका सही है भाई सबका सही है सागर रुपेश प्रिंस रंजन जी हाँ टिपलेट है बिल्कुल टिपलेट के कॉन्सेप्ट से जा सकते हैं चलो एक और अपने मन से आप सभी टिपलेट लिख के बताओ कुछ का होता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक तो आप लोग जान ही गए हो टिपलेट रट लिए हो एक और टिपलेट जो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा यूज होते हैं वो कमेंट करके बताइए कितना होगा चलिए क्वेश्चन नंबर है उन्नीस देखिएगा उन्नीस नंबर का क्वेश्चन है दो वर्षों के लिए ब्याज की समान दर पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है और अर्जित ब्याज के बीच का अंतर एक रुपया है तो ब्याज की दर आर बराबर पांच प्रतिशत है तो निवेश की गई राशि क्या होगी इनमें से ऑप्शन में कमेंट करके बताना है जी हाँ चलिए तमाम छात्र उन्नीस नंबर प्रश्न का कर आंसर करेंगे और बताएंगे प्रश्न नंबर 19 का आंसर क्या होगा A होगा बी होगा सी होगा डी होगा जल्दी से कमेंट करके बताइए छ आठ दस ट्रिपलेट उसी का बस मल्टीप्लाई है दो से और कोई ट्रिपलेट बता सकता है देखो लिख देता हूं पांच बारह और तेरह ये भी ट्रिपलेट इंपोर्टेंट है देखो पांच का स्क्वायर पच्चीस हो जाएगा और बारह का स्क्वायर एक सौ चौवालीस हो जाएगा ये बन जाता है अंडर रूट वन सिक्सटी नाइन और ये बन जाएगा तेरह याद रख लीजिएगा तो ये भी एक ट्रिपलेट है जो कि आपके एग्जाम में यूज होते हैं समझ गए चलिए इंपोर्टेंट है सबसे ज्यादा एक वो है मेन इंपोर्टेंट ये वाला जो सबसे इंपोर्टेंट है तीन चार पांच बाकी इसके बाद कोई ट्रिपलेट इंपोर्टेंट है तो फिर ये वाला इंपॉर्टेंट है बाकी सब तो बहुत सारे बन सकते हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं क्वेश्चन नंबर उन्नीस पे देखिए आप फोकस करिए देखो भाई जब भी यहाँ पे पूछ दिया हुआ है दो साल का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस वन हंड्रेड थर्टी टू रुपीज यस नो बोलोगे यस yes सर तो भाई यहाँ पे ध्यान से देखो कि वन ईयर का सिंपल इंट कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस होता तो बहुत ही सिंपल है डिफरेंस जीरो होता है वन ईयर में जीरो होता है पर टू इयर्स में जब बात करोगे तो वो भाई डिफरेंस बढ़ जाता है और वही एक रुपया प्रेजेंट कर रहा है मेरे को तो एकदम सिंपल लॉजिक है देखो भाई दो साल में डिफरेंस होता है आर दो साल में आर का मतलब है पांच का स्क्वायर कर दो पच्चीस बटा सौ कर दोगे तो या जाएगा जीरो दशमलव दो, दो पांच अर्थात इसको भाग दे दो जीरो दशमलव दो, दो पांच से तुमको चाहिए निवेश की के राशि राशि हमेशा हंड्रेड परसेंटेज होता है हंड्रेड से मल्टीप्लाई देखो भाई पॉइंट हटेगा तो ऊपर दो गो और जीरो चला जाएगा और 25 से जब इसको काटोगे तो चार वन में काटेगा दो जीरो का दो जीरो चार दुनी और और चार एक ऑप्शन जीरो 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 नंबर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू जी हाँ सभी का सही है रुपेश सबने सही किया भाई सागर रुपेश सुजीत सबका सही है किसी का आज गलत नहीं आंसर आ रहा है या तो क्वेश्चन बहुत इजी होंगे या तो आपकी स्पीड अच्छी हो रही है दोनों में कोई एक ही काम है चलिए बीस नंबर क्वेश्चन का करके बताइए आंसर क्या होगा बीस नंबर क्वेश्चन है आपके डिस्प्ले पे रहा ए देखो भाई देखिए बीस नंबर क्वेश्चन रहा ध्यान से पढ़िएगा यदि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी बराबर नब्बे डिग्री है देखो भाई प्यारा सा क्वेश्चन है और पहले भी बता दिया है इसने इसने बताया कि एक समकोण त्रिभुज है चलो समकोण त्रिभुज है ए बी सी कौन बी बराबर नब्बे डिग्री है मैंने यह भी लिख दिया ए बी बराबर नौ सेंटीमीटर है BC बराबर 12 सेंटीमीटर है तो इसके बराबर तो ऐसे भी टिपलेट दिखी रहा पंद्रह सेंटीमीटर है तो जो पूछा गया है इसके अंतर ब्रीत एक खींचा जा रहा है इसके अंत एक ब्रीत खींचा जा रहा है और भाई ब्रीत अंतर खींचेगा तो भाई एक बात बता दो हमको जब ये ब्रीत खिंचाया यहाँ पे तो इसकी कुछ ना कुछ तो रेडियस रहेगा भाई बिल्कुल रहना भी चाहिए ये पूछ रहा होगा कि उस वृत्त की क्या पूछा भाई त्रिज्या ज्ञात करना है रेडियस ज्ञात करना है ये रेडियस है या, या जो भी तुम लाइन जिधर भी खींचो यहाँ से इसको कर सकते हो इसको कर सकते हो सब रेडियस है इसका अब बताओ भाई आर बराबर इसका क्या होगा एक क्वेश्चन पिछले प्रीवियस क्वेश्चन में आपके पीछे पूछे जा चुके हैं या मैंने बता चुका हूं चलो भाई जो भी बच्चे नए हैं पीडीएफ के लिए टेस्ट यहाँ पे टेलीग्राम मेरा चैनल है भाई मैस भाई सोनू सर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और पीडीएफ का कंप्लीट सॉल्यूशन भी मिल जाएगा तो जरूर डाउनलोड कर जरूर ज्वाइन कर लीजिए और वहां प्रतिदिन नोटिफिकेशन अगर यूट्यूब नहीं देता है ये सारी फायदा है भाई चलो क्वेश्चन नंबर देखो भाई बीस का क्या आंसर होगा प्यारा सा क्वेश्चन है बेहतरीन क्वेश्चन है गलती नहीं करना ध्यान से समझिएगा इस तरीके के क्वेश्चन में देखो भाई कोविड नाइन राइट एंगल ट्रेंगल हो कौन सा ट्रेंगल हो राइट एंगल ट्रेंगल हो तो ध्यान देना कि रेडियस बराबर होता है भाई इसको बोलते हैं पी और इसको बोलते हैं बी और इसको बोलते हैं H तो पी प्लस बी माइनस एच डिवाइडेड बाई टू तो भाई तो रेडियस तो निकल गया पी प्लस बी का भाई नौ और बारह कितना होता है इक्कीस नौ बारह कितना हो जाएगा भाई इक्कीस माइनस पंद्रह डिवाइडेड बाई टू तो भाई इक्कीस में से जब पंद्रह घट जाएगा तो 6 बचेगा छह बटा दो कर दो तीन सेंटीमीटर तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर थ्री हो जाएगा थ्री सेंटीमीटर और कितने बच्चे सी के साथ गए हैं तो अभिमन्यु कुमार का एक सही है दूसरा भाई राज अनिता जी का सही अभिमन्यु ने बी के साथ के गलती कर दिया प्रशांत राज बहुत देर बाद बहुत दिन बाद दिखे क्या बात है प्रशांत चलिए प्रिंस सी बिल्कुल आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं प्रश्न नंबर 21 का देखिए करके बताइए जरा क्या होगा नंबर 21 चलिए आज मिक्स क्वेश्चन की सीरीज था हर प्रकार के आपके चैप्टर से हर जगह से मैंने क्वेश्चन करवाया चलिए उसी प्रकार 21 नंबर प्रश्न का देखिए एवरेज से है देखिए जानना बड़ी बात नहीं है कम समय में सबसे पहले आंसर देना सबसे जरूरी बात है भाई आंसर देना सबसे जरूरी बात है फिफ्टी टू के 103, 48 और यहां पे क्या है भाई के प्लस फोर और इधर है फिफ्टी वन भाई एवरेज दिया तिरसठ के का मान क्या हो सकता है भाई चौवालीस फिफ्टी नाइन फोर्टी नाइन इधर है फोर्टी सिक्स फोर्टी एट जल्दी से कमेंट करिए तबीयत खराब हो गई थी सर कोई बात नहीं चलिए कमेंट करके बताओ भाई प्रश्न नंबर ट्वेंटी वन का आंसर क्या होगा आप लोग प्रश्न की संख्या भी लिखते चलिएगा तो मुझे पता चलेगा आप किस प्रश्न का आंसर कर रहे हैं देखिए एकदम आराम तरीके से सोचो तो दो तरीके होते हैं सबको जोड़ दो और सबको जोड़ने के बाद के के बराबर करके के में उतना से गुना कर दो सबसे बेसिक तरीका है जो सब बच्चों ने जानते होंगे बावन सतासी फिर कौन है भाई प्लस के तो के के लिख दो और फिर से प्लस में कौन है भाई तो के, के बाद है 103 और फिर कौन है भाई 48 है और फिर से कौन है भाई तो के प्लस कितना है भाई के प्लस फोर है इसको भी ब्रैकेट में रखना और इसको कितना है फिफ्टी है इन तमाम संख्याओं का एवरेज कितना दिया है तो एवरेज तिरसठ है तो बराबर लिख दो तो तिरसठ गुना देखो कितना संख्या है तो? एक दो तीन चार पाँच छ सात एक दो तीन चार पाँच छ सात तो इसमें सात में गुना कर दीजिए और यहाँ के की मान निकाल लीजिए चलिए तो एक तो ये तरीका हो गया जी हाँ आप लोग कर लोगे इसमें के की मान निकाल लोगे इस तरीके से तो हम दूसरे तरीके पे बात करते देखिए दूसरा तरीका थोड़ा मुश्किल है देखो ये तिरसठ है कम यह है कितना कम है ये तो भाई तिरसठ को घटाओ बावन में से तो जब घटेगा तो दो तीन में से दो जाएगा तो एक और इधर भी एक ग्यारह यह कम है अगर यह ग्यारह कम है तो यह दूसरे में से ले लेगा ये कितना ज्यादा है तो देखो तो अगर इसमें से तिरसठ जब घटाओगे या तो ज्यादा होगा या तो कम होगा तो यहाँ पे कम है तो यह ज्यादा है कितना ज्यादा है बॉस तो यहाँ चार ज्यादा हो गया और इधर जब घटेगा तो कितना दो चौबीस ज्यादा है तो ये चौबीस जो ज्यादा था वो ग्यारह इसको ले लेगा क्योंकि ये कम इसको दे देगा तो ये चौबीस में से जब ग्यारह घट जाएगा तो कितना बचेगा तेरह बच जाएगा अब तेरा आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा अभी भी है मेरा यहां तक खत्म कहानी ये देखो इसमें देखोगे तो इसमें भी कितना ज्यादा है तो इसमें तिरसठ है ये कितना ज्यादा है बॉस तो ये चालीस ज्यादा है देख रहे हो कितना ज्यादा है चालीस ज्यादा चालीस इसको दे देगा क्योंकि अभी कोई कम नहीं रहा है दे दिया तो ये कितना हो गया भाई तिरपन ज्यादा अभी मेरे पास हो गया ये अड़तालीस है अड़तालीस कितना कम है तो अड़तालीस कितना कम है तो घटाओगे तिरसठ में से तो देखो यहाँ पे तेरह में से आठ गया तो पांच बच गया और यहाँ भाई मेरे पांच में से चार गया तो एक पंद्रह पंद्रह कम है तो या तो पंद्रह में से इसको ले लेगा तब कितना बचेगा अठारह अठारह में से पांच जाएगा तो भाई अठारह में से तेरह में से पाँच जाएगा तो आठ बचेगा और यहाँ गोष कितना हो गया चार में से एक गया तीन अड़तीस अभी भी ज्यादा है इसके पास अब ये क्या करेगा एकावन को देखो एकावन कम है कितना कम है तो एकावन भी घटा के देख लो कितना कम है एकावन कम है कितना भाई दो इधर कम है इधर बारह कम है तो बारह इससे ये भी घींच लेगा तो जब बारह घींच लेगा ये भी तो बारह घिंचेगा तो कितना हो जाएगा बॉस तो यहां से निकाल लो बारह तो यहाँ छह बचेगा और यहाँ भाई कितना बच जाएगा तो यहाँ बच जाएगा दो छब्बीस छब्बीस अभी भी ज्यादा है कौन ज्यादा है भाई ये पूरा संख्या के को हटाने के बाद तो भाई मेरे को के प्लस के प्लस फोर ये दो संख्या इन दोनों का एवरेज कितना है भाई तो एवरेज हमको चाहिए कितना हाँ देखो अब इसकी जो तिरसठ तिरसठ जोड़ते तो तिरसठ तिरसठ दो बार रहेगा तो कितना होगा तिरसठ गुना दो कर दो तो हो जाएगा कितना छ और इधर होगा छब्बीस अंक चाहिए परंतु वहां देखो कितना ज्यादा है ऑलरेडी तो बोलोगे सर छब्बीस तो वस्टाव लोग रखे हुए तो छब्बीस इसको कम देना होगा मतलब कि सौ ही देना होगा अब सौ में जरा ध्यान दो इधर क्या है टू के प्लस फोर इजकल टू सौ देखिए तो ये आ जाएगा भाई छियानवे और छियानवे कितना बराबर टू के बराबर बराबर हो गया ये चार और इधर हो गया अड़तालीस तो राइट आंसर अड़तालीस हो जाएगा देखो भाई अपना अपना तरीका है अड़तालीस राइट आंसर होगा जो मेथड लगता है वो लगा लो एक तो शॉर्टकट यही है जिससे कि आपका काम बनेगा परंतु ये ये आसान मेथड है अगर आपके पास जोड़ घटाव करने की अच्छी रणनीति है तो आप इस मेथड से जल्दी में बना सकते हैं चलिए बताओ भाई यहां तक तो कोई दिक्कत जी हाँ अड़तालीस सभी का राइट आंसर है बेसिक तरीका से बना लीजिएगा अगर यह मेथड नहीं अच्छा लगे तब क्वेश्चन नंबर बाईस करके देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन नंबर बाईस है बीस आदमी और पंद्रह लड़के एक काम को दस दिनों में कर सकते हैं देखो भाई बीस आदमी और पंद्रह लड़के एक काम को दस दिनों में कर सकते हैं ठीक है पच्चीस पुरुष फिर से देखना ट्वेंटी फाइव एम और टेन बॉयस उसी काम को कितने दिनों में कर सकते हैं तो उस काम को नौ दिनों में कर सकते हैं ठीक है अब ध्यान से देखिएगा पूछ क्या रहा है एक आदमी द्वारा एक आदमी द्वारा किए गए दैनिक काम को एक लड़के द्वारा किए गए दैनिक काम का अनुपात क्या है अर्थात आदमी और बच्चा का रेशियो पूछा जा रहा है चलिए देखिए कैसे करिएगा टेन से इधर मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा तो टू हंड्रेड एम इजकअल टू वन हंड्रेड फिफ्टी बॉयस इजकल टू पच्चीस नम होता है भाई कितना दो सौ पच्चीस और प्लस नब्बे देखो भाई बी वाले को इधर लेके चले आओ तो कितना हो जाएगा सिक्सटी बी बचेगा साठ हो जाएगा और इसको उधर लेके चले जाओ तो पच्चीस एम बचेगा घट जाएगा ना इसको इधर लिया और इसको उधर लेके चले जाओ अब इसको काटो पांच बार में तो नीचे आ जाए कितना तो बारह पचे साठ होता है और पचास पचीस होता है अब देखो एम का पहले बात बोला है तो एम के बराबर देखो इसको ऐसे लिखते हैं हम लोग यहां पे बी है बी छोड़ दीजिए उसके नीचे एम आ जाएगा पांच इधर ही रह जाएगा परंतु बारह इधर चल जाएगा पहला नाम यहां पे किसका एम का एम बराबर कितना बारह तो पहला रेशियो बारह दे दो एम की बी की कितना है पांच है मतलब पांच हो जाएगा बारह अनुपात पांच ऑप्शन नंबर थ्री हो जाएगा जी हाँ बारह अनुपात पांच हो जाएगा राइट आंसर बिल्कुल जी हाँ बलराम जी प्रशांत राज रूपेश प्रशांत जी भी सौरभ काजल सबका सही है चलो भाई क्वेश्चन नंबर बाईस कंप्लीट होता है इसी के साथ क्वेश्चन नंबर तेईस की ओर आते हैं तेईस नंबर भाई मेन्सुरेशन से क्वेश्चन है करके बताओ भाई कौन करेगा सबसे पहले कौन बाजी मारेगा यदि दो अर्ध गोले के आयतन का अनुपात इतना है जिसको हम लोग बोलते हैं उनके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा देखो भाई वॉल्यूम का रेशियो दिया है और आपसे पूछ रहा है एरिया का रेशियो कौन बच्चा इसको दस सेकेंड के अंदर करके आंसर देगा देखते चलिए देखिए भाई क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री और करके दो आंसर भाई सभी बच्चे करेंगे प्यारा सा क्वेश्चन है चलिए जल्दी से कमेंट करके बताओ भाई क्या आंसर होगा देखो कैसे करना है प्यारा सा क्वेश्चन है देखो ये रेशियो किसका है समझो बात तो ये वॉल्यूम का दिया है पहले तो ये समझो अर्धगोला होता है कैसा है तो आपको पता है ना अर्ध गोले का भाई आकृति तो आपको दिखा ही चुका हूं देखो भाई इसको अर्ध गोला बोलते हैं ना तो अर्ध गोले की अगर आयतन की बात करें आपको पूरा गोला संपूर्ण गोला का आयतन होता है फोर बटा थ्री पाई आर क्यू समझ रहे बातों को अर्ध गोला का आपको आयतन निकालना है तो इसको टू से डिवाइड करना होगा परंतु उतना करने की यहां पे जरूरत नहीं है फिगर की भी जरूरत नहीं है आपको जो करना है वो समझिए क्या करना है अरे बाप रे बाप ये तो क्वेश्चन ही गायब हो गया चलो देखो इसके लिए करो वॉल्यूम का रेशियो दिया है बोलोगे यस सर वॉल्यूम का अनुपात दिया है वॉल्यूम का कितना दिया है भाई तो बोलोगे सर सो चौसठ अनुपात कितना दिया है तीन सौ तैतालीस दिया है। अब बताया अभी ना कि आर क्यू होता है क्यू मतलब एक अगर रेडियस चाहिए तो ये किसका क्यू है खोज लो रेडियस का इसका जो रेशियो हो जाएगा इधर चार का क्यू है और इधर भाई सात का क्यू है ठीक है अब एरिया चाहिए जब इसका भाई तो एरिया में स्क्वायर हो जाता है तो आर स्क्वायर खाली करना है ये है देखो यह आर क्यू है यह आर निकला अब आर स्क्वायर चाहिए तो इसको चार का स्क्वायर करेंगे सोलह और सात का स्क्वायर करेंगे उनचास तो राइट आंसर सात नहीं सोलह अनुपात कितना हो जाएगा उनचास हो जाएगा जी हाँ ऑप्शन नंबर चार हो जाएगा जी सोलह अनुपात सात नहीं होगा अभिमनु चलो जी हाँ सोलह अनुपात उनचास हो जाएगा ध्यान से देखिएगा एकदम सिंपल है जब भी कोई सेम आकृति में चाहे गोला अर्ध गोला या तुम्हारा क्यूबाइड क्यूबाइड में देखो ये किस किस में अप्लाई होता है देखो ये जितने भी आकृति देख रहे हैं ना आपके गोला अर्ध गोला सिलेंडर स... इधर सिलेंडर के बाद कौन सा हो जाएगा इधर आपका क्यूब और क्यूबाइड ये सब में यही सेम कॉन्सेप्ट लगाना सब में आंसर बन के आ जाता है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं एक चौबीस नंबर क्वेश्चन है ध्यान से देखिएगा ये नंबर सिस्टम का सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है क्वेश्चन ध्यान से अगर देखिए दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है मैं लिख देता हूं बड़ा से दो बटा तीन सॉरी दो बटा पांच है बॉस दो बटा पांच तीन बटा पांच और छ बटा सात एक बटा तीन और पांच बटा समझ रहे नंबर हो गए ये सब और इसको आरोही क्रम एसेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित किया जाता है तो चौथा स्थान पे कौन सा नंबर होगा ये पूछ रहा है आपको एसेंडिंग ऑर्डर में भाई सेट करना है एसेंडिंग ऑर्डर मतलब पहले सबसे छोटा को रखना है उससे ठीक उसको बड़ा को रखना है उससे ठीक उसको बड़ा को और इसी प्रकार इसको सजा देना है चलिए एसेंडिंग ऑर्डर में देखिए एकदम आसान सा तरीका बताते हैं आपको सबसे पहले खोजो कि सबसे छोटा कौन है याद रखना सबसे छोटा खोजने का बहुत तरीका है पर हम जो बता रहे हैं उसको थोड़ा सा आपको देखो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि दो को भाग दे देंगे पांच से इसको भाग दे देंगे और सरिया देंगे वो भी अपने हद तक ठीक है पर मैं उतना नहीं करूंगा मैं दूसरा अप्रोच लगाता हूं आप सभी देखना और समझना बातों को पांच गुना दो कर दो क्रॉस में मल्टीप्लाई तो पांच गुना दो करेंगे दस और पांच गुना तीन कर दो इधर हो जाएगा पंद्रह इन दोनों में छोटा कौन हो गया तो जिसके माथा पे छोटा नंबर होगा वही वैल्यू उसका छोटा कहलाएगा जिसके माथा पे बड़ा नंबर होगा वो हमेशा बड़ा होगा तो इन दोनों में बात करेंगे इन दोनों में सिर्फ तो छोटा कौन है दो बटा पांच उसी प्रकार अब उसी प्रकार समझना मन में खाली गुना करना सोचते चलना पांच गुना छ कर देंगे यहां तीस हो जाएगा और पांच सात गुना दो कर देंगे यहां चौदह हो जाएगा बताओ भाई बड़ा कौन है तो बड़ा यह है मतलब ये नंबर इससे भी बड़ा है अब ये इसके बाद आ जाओ यहां पे थर्ड नंबर पे तीन गुना दो ऊपर छ और पांच गुना एक ऊपर कौन छोटा हो जाएगा अब ये बड़ा हो गया क्योंकि इसके पावर माता बड़ा है ये छोटा है तो इन तीनों में सबसे छोटा ये होगा क्योंकि इन दोनों से छोटा ए था परंतु इससे छोटा ए है अभी भी ये बचा हुआ है अब इसको चेक नहीं करेंगे अब इसका काम खत्म यहां तक तो खत्म हो गया अब इन दोनों को चेक कर लो एक बार 6 6 36 15 मतलब सबसे छोटा यही होगा इन तीनों में तो है ही साथ में इससे भी है तो सबसे छोटा नंबर एक बटा तीन अब इसका काम खत्म इसको चेक करने की जरूरत है ही नहीं अब देखो इससे भी है छोटा था इससे भी यह छोटा है अब इससे चेक कर लेते हैं गुना दो कितना हो गया बारह और पांच गुना पांच कितना हो गया पच्चीस देखिए इन दोनों में भी इन तीनों में सबसे छोटा ए है मतलब सेकेंड पोजिशन पे कौन हो गया अब देखो ए मतलब ये हम सबसे छोटा फाइंड कर रहे हैं क्वेश्चन को एक लाइन में फिनिश करना होता तो चौथा स्थान पे पूछा है चार नंबर है तो सबसे बड़ा खोजता उसके ठीक नीचे वाला खोज लेते हैं परंतु कोई नहीं चलो इसी तरह चलते हैं अब कौन सा लिख दिए दो बटा पांच इसका भी काम कहानी खत्म अब बच गया ये तीनों सात गुना तीन ऊपर इक्कीस होगा और पांच गुना छ कितना हो जाता है तीस ई दोनों में कौन छोटा बड़ा है तो ई है परंतु इससे नहीं एक और बचा हुआ भी चेक कर लो छुना तीन अठारह और पांच गुना पांच पच्चीस मतलब इन तीनों में ए छोटा है तीन बटा पांच अब कौन नंबर बच गया दो ही तो बचा है छ बटा सात और पांच बटा छुना छह बस छत्तीस हो जाएगा पांच गुना सात पैंतीस हो जाएगा बताओ यहाँ पे पैंतीस आया पैंतीस आया इसका अब इन दोनों के बात करें तो ए छोटा है पाँच बटा छ और इससे भाई बड़ा है छ बटा सात तो जो चौथा नंबर पे पोजीशन खा के बैठा हुआ है पाँच बटा छ और पाँच बटा छ हमारा राइट आंसर है फोन नंबर जी हाँ सबका पांच बटा छ है बेहतरीन जी हाँ असेंडिंग ऑर्डर में सरियाना था अगर देखो मेरे को एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन बनाना होता तो हमको पता है चौथा पोजीशन पता करना है तो पीछे से चलते सबसे बड़ा खोज लेते और बड़ा खोजने के बाद जस्ट उसके छोटा खोजते परंतु यहां पे टाइम का कोई बाउंडिंग नहीं है इसलिए आपको आराम से करवा दिया चलिए ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे देखिए क्वेश्चन नंबर पच्चीस देखिए भाई क्वेश्चन नंबर पच्चीस को करके बताना है एक नाव धारा के अनुकूल अनुकूल मतलब होता है भाई आप लोग जानते होंगे डाउन स्ट्रीम दो तरह से धारा चलता है एक नदी के दिशा में चलता है जिसको हम लोग बोलते हैं डाउन स्ट्रीम और एक होता है अपस्ट्रीम जो हम लोग बोलते हैं धारा के विपरीत दिशा में तो डाउन स्ट्रीम किलोमीटर की दूरी डाउन स्ट्रीम किलोमीटर की दूरी जाने में और धारा के प्रतिकूल मतलब की अपस्ट्रीम आठ किलोमीटर की दूरी जाने में उसके द्वारा दो घंटे का समय लिया जाता है पहला क्या है तो इसको कैसे कर लेंगे टोटल दूरी कितना है भाई भाई गया गया होगा तो प्लस वाई से गया होगा तो से और भाई प्लस उसने जब लौटा तो एक्स माइनस वाई की स्पीड से लौटा बराबर दो घंटे एक्स प्लस वाई क्या है तो इसमें नाव प्लस धारा दोनों का चाल होता है और एक्स माइनस वाई यह अप्रीम में घट जाता है डाउन स्ट्रीम में जुट जाएगा अप स्ट्रीम में घट जाएगा इक्वेशन वन उसी प्रकार दूसरा बार जो कह रहा है, है कि या कि यह धारा के अनुकूल मतलब डाउन स्ट्रीम क्या बोला है भाई किलोमीटर तो किलोमीटर इस बार हो गया बीस बटा एक्स प्लस वाई और प्लस फिर से क्या है भाई बारह बटा एक्स माइनस वाईक्ल टू टू आवर फिफ्टी मिनट दो घंटा पचास मिनट को जब सॉल्व करोगे तो इसको जीरो से जीरो 6 धोनी बारह पांच सत्रह बटा छ हो जाता है सत्रह बटा घंटा हो गया ठीक है बॉस इक्वेशन इसको दो कर लो इक्वेशन इसको वन कर लो पूछा क्या है तुमसे तो बताओ भाई धारा के अनुकूल जाते समय नाव की नाव की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या हो जाएगी अब देखिए इसको ऐसे कर लेते हैं x प्लस वाई हटा देते हैं हम और यहां पे लिख देते हैं इसको डाउन स्ट्रीम और इसको अपस्ट्रीम अप को यू से लिख लीजिए ज्यादा अच्छा रहेगा आप लोग समझ जाइएगा बॉस अप स्ट्रीम यहां भी नीचे डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए क्या होगा अब क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो गया चलिए धारा के अनुकूल मतलब कि भाई डाउन स्ट्रीम आप पता कर लो क्या हो जाएगा डाउन स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम भाई सॉल्व हो जाएगा इस इक्वेशन को बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व कर लेना देखो यहाँ पे लिख देते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है? लिख देते हैं ध्यान से देखिएगा आप लोग दिख रहा होगा ना देखो भाई पंद्रह बटर डी है तो इसको यहां पे लिख लो अच्छे से काटने में आराम होगा स्पेस ही छोटा कर देते हैं क्योंकि स्पेस बहुत ज्यादा ऐसे कैसे काम चलेगा बस चलिए कोई बात नहीं चलो इसको हम लेके चलते हैं इधर देखिए यहां पे सॉल्व कर रहे हैं आप लोग ध्यान से देखिएगा फिफ्टीन बाई डी प्लस एट बाई यू इजकल टू टू और इधर क्या है भाई ट्वेंटी बाई डी और ट्वेल्व बाई यू इज टू सत्रह बटा छ यही है अब ध्यान से देखो इसको पूरा को मैं मिटा दूं तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगा यही चीज मैंने वहां लिख दिया अब इसको हमको कैंसिल करेंगे तभी तो डाउन स्ट्रीम निकलेगा तो यहाँ को बराबर करने के लिए देखो इसमें दो से गुना कर दो तो बारह दोनी चौबीस और आठ तिया चौबीस तीन से यहाँ गुना कर दो तो तीन से ऊपर प्रत्येक में गुना हो जाएगा दो से इधर प्रत्येक में गुना हो जाएगा इसका कोई शॉर्टकट नहीं है याद रखना है माइनस 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 हो जाएगा ऊपर बटा डी माइनस चालीस बटा डी बराबर हो जाएगा भाई छ माइनस सत्रह दुनी चौंतीस बटा छ जरा सा सॉल्व कर लोगे तो इधर हो जाएगा फाइव बटा डी बराबर यहां पे हो जाएगा भाई छत्तीस माइनस चौतीस बराबर दो बटा छ इसको काटेंगे तीन बार में कट जाएगा तीन से यहाँ गुना हो जाएगा पंद्रह बराबर आ जाएगा तो ये पंद्रह किलोमीटर प्रति घंटा क्या डी का मतलब डाउन स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दिया है पूछा ही गया था क्या हो जाएगा तो राइट आंसर भाई पंद्रह किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा प्रशांत प्रिंस चलो भाई सबका सही है चलिए कमेंट करके बताइए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ जी हाँ पच्चीस नंबर का प्रश्न इस तरीके का जब प्रश्न मिल जाते हैं तो कुछ नहीं कर सकते हो आप न आपके हाथ में है न मेरे हाथ में है भाई करना पड़ेगा सॉल्यूशन चलिए सब क्वेश्चन एक जैसा नहीं होता है याद रखिएगा एग्जाम हॉल में कुछ बहुत इजी मिलेंगे कुछ बहुत टफ मिलेंगे कुछ मॉडरेट मिलेंगे कुछ ट्रिक वाले क्वेश्चन मिलेंगे हर तरीके से एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे देखिए सबसे पहले तो मैं इस पर सर्कल एक बना दूंगा क्योंकि आप सभी को सर्कल यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा क्लियर चलिए इसका जो सर्कल है उस पर मैं फिर से एक ऊपर से सर्कल बना देता हूं दिख रहा होगा अब इसी सर्कल में क्या उसने किया है कि भाई यहां से इसको लाइने खींचा है इसको देखिए ये लिखा है सिक्स एक्स प्लस थ्री वाई ए वाला वैल्यू है फोर एक्स माइनस प्लस टू वाई एट एक्स माइनस टू वाई और यहाँ है टू एक्स चलो भाई सबको क्वेश्चन क्लियर दिख रहा होगा हम्म चलिए बताइए कमेंट करके एक्स प्लस वाई का मान डिग्री में क्या होगा देखो कैसे करेंगे आपको पता है कि किसी भी सम चतुर्भुज में आमने सामने का का योग 180 डिग्री होता है तो एक 180 होगा नहीं होगा देखो भाई यह माइनस टू बाई या प्लस टू वाई खत्म आठ चार कितना होता है बारह एक्स बराबर एक सौ अस्सी इसको काटेंगे तो पंद्रह बार में जाएगा बॉस x तो बराबर पंद्रह डिग्री आ गया कोई दिक्कत अब x की वैल्यू पंद्रह डिग्री है तो इसको पुट कर दीजिए तो y की वैल्यू मिल जाएगा तो इसको ऊपर वाले देख लेते हैं अगर ऊपर वाले की वैल्यू देखे तो टू एक्स प्लस सिक्स एक्स प्लस थ्री वाई बराबर एक सौ अस्सी दिया यहाँ पे यहाँ पे देखो आठ एक्स बराबर हो गया आठ एक्स प्लस थ्री वाई बराबर एक सौ अस्सी तो यहाँ पे भाई पंद्रह डिग्री की वैल्यू पुट कर दीजिए तो पंद्रह अठी बीसा से एक सौ बीस प्लस थ्री वाई बराबर एक सौ अस्सी हो जाएगा इधर जाके घट जाएगा तो थ्री वाई बराबर कितना हो जाएगा बॉस साठ हो जाएगा तो ए वाई बराबर हो जाएगा भाई बीस कंप्लीट तो बीस प्लस पंद्रह दोनों को जोड़ देना है तो जोड़ने पे कितना आंसर आ जाएगा पैंतीस डिग्री कंप्लीट थर्टी फाइव डिग्री राइट आंसर हो जाएगा मेरे बॉस चलिए छब्बीस नंबर क्वेश्चन हो गया आज के सेशन का दो क्वेश्चन और है रह गए जल्दी से सताइस 28 कर लीजिए फिर आज सेशन कंप्लीट दो पाइप पी और क्यू क्रमशः अट्ठाईस मिनट और पैंतीस मिनट में टैंक को भर सकते हैं पी 28 मिनट और भाई क्यू जो है पैंतीस मिनट में टैंक को भर सकता है ठीक है अब यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो दस मिनट बाद पी को बंद कर दिया जाता है तो शेष टैंक को भरने में कितना समय लेगा ये क्वेश्चन नंबर सताइस है करके आप लोग बताइए क्या होगा इसका आंसर ध्यान से देखिएगा जी हाँ सबखबी का काजल सबका थर्टी फाइव है क्वेश्चन नंबर करके बताइए क्या होगा क्वेश्चन नंबर सताइस देखो सबसे पहले इसका एलसीएम ले लीजिए तो एलसीएम हो जाएगा सात गुना चार गुना पांच मतलब कितना होता है भाई 140 हो जाता है कितना हो जाता है 140 हो जाता है होगा जी 140 जी हाँ तो 28 से जब इसको भाग दोगे तो ये पांच आ जाएगा और इसको 35 से भाग दोगे तो चार आ जाएगा ठीक है अब क्या कह रहा है कि दोनों को भाई 10 मिनट तक तो साथ खोलना है तो पांच और चार नौ नौ गुना दस बराबर कितना हो जाएगा नब्बे पानी भर जाएगा नब्बे पानी भर गया भाई तो चालीस में से नब्बे घट गया एक सौ चालीस में से तो भर जाएगा एक सौ दस नहीं सॉरी सॉरी एक सौ दस कैसे बचेगा पचास बच जाएगा ना पचास लीटर अभी भी भरना है और इसको भरने के लिए किसको बंद किया ध्यान से देखो पी को इसने बंद कर दिया तो पी जब बंद हो जाएगा तो ये जो पचास लीटर भरना है उसको कौन भरेगा क्यू भरेगा तो 50 बटा चार की रफ्तार से भरेगा तो यह 25 बटा दो मतलब 12.5 मिनट अर्थात शेष टैंक को क्यू द्वारा भरने में लगा समय 12.5 मिनट होगा जी सुजीत मंडल जी 12.5 मिनट राइट आंसर हो जाएगा ठीक है जी प्रशांत चलिए यहां तक सभी छात्रों का क्लियर है ये लास्ट क्वेश्चन है भाई और ये लास्ट क्वेश्चन आपको जाते जाते एक मैंने हाइट एंड डिस्टेंस से करवा दिया हाइट एंड डिस्टेंस का लास्ट क्वेश्चन है करके बताओ एक पोस्टर पुल मूल्य रूप से पंद्रह फीट ऊंचा था अच्छा ये गलत बोलते हैं देखो मान लो ये पंद्रह मीटर मूल्य रूप से ऊपर खड़ा है लाइट वाला ठीक है भाई अब कह रहा है कि ये बीच से कहीं से टूट गया हमको पता नहीं है टूट के इस प्रकार से गिर जाएगा तो जब ये गिरेगा तो धरती के साथ जमीन के साथ कोई एंगल पे ये बनेगा और वो एंगल कितना डिग्री बता रहा है थर्टी डिग्री का एंगल बनाता है जब ये टूट के गिर गया तो ये थर्टी डिग्री का कोण बना देता है और टूटे हुए हिस्से की लंबाई पता करना है यहाँ से यहाँ तक कि एक्स है इसकी लेंथ पता करना है अब पूछ क्या रहा ध्यान से देखो ये जो पूरा जब खड़ा था तो यहां से यहां तक जो इसकी लेंथ थी वो दिया है पंद्रह मीटर एकदम आसानी से याद होगा जब आपको मैंने हाइट एंड डिस्टेंस की क्लास करवाया था तो बताया भी था एंड डिस्टेंस में मैंने बताया आसान तरीके से हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाओगे अब देखो यहाँ पे टेन थर्टी डिग्री का मान होता है वन बाई रूट थ्री अगर हम यहाँ ठिट्टा की वैल्यू थर्टी डिग्री रखते हैं तो टेन थर्टी डिग्री का वैल्यू होता है वन बाई रूट थ्री अब आपको पता होगा टेन टिट्टा बराबर क्या होता है पी बाई बी होता है कि नहीं होता है पी बाई बी टू कितना दिया है वन बाई रूट थ्री दिया है तो ये रेशियो चलता है मेरे दोस्त कि पी पी इजकल टू हम इसको मानेंगे वन और इसको मान लेंगे रूट थ्री तो आपको ये वाला जो पार्ट हो जाएगा ना ए वाला पार्ट तो देखो एक का स्क्वायर इसको हम क्या करते हैं एक का स्क्वायर इसका स्क्वायर को जोड़ देते हैं तो एक का स्क्वायर इधर रूट थ्री का स्क्वायर थ्री हो जाएगा थ्री प्लस एक चार चार को रूट से बाहर करिएगा दो रहता है मतलब टेन थर्टी डिग्री की मान पुट करते तो एक अनुपात थी, रूट अनुपात यहां टू हो जाता है अब बताओ जो ये टूटा ये कितना टूटा दो अगर ये नहीं टूटता तो स्टेट खड़ा होता तो दो ऊपर और रहता है तो बताओ नीचे से ये कितना लेंथ है तीन और तीन बराबर कितना दिया है पंद्रह यूनिट समझ रहे बातों को तीन बराबर कितना दिया है पंद्रह तो यही तो पूछा है कि टोटल लेंथ कितना है तो, टोटल लेंथ तीन यूनिट था उसका समझ रहे हो इसकी कितना है दो इसकी लेंथ कितना है दो और इसकी लेंथ कितना है एक है तो दो एक कितना हो गया? तीन हो गया गया आई समझ में तो इसकी टोटल जो भाई हो वो कितना हो जाएगा थ्री हो जाएगा चलो देखो ये जो लेंथ टूटा थ्री यूनिट बराबर कितना दिया है पूरा दिया है पंद्रह तो यही तो पंद्रह टूटा है तो इसकी पूरी लेंथ हो जाएगी पंद्रह अच्छा तीन यूनिट पूछा तो वही था ना टूटा हुआ हिस्सा का हाँ तो तीन बराबर पंद्रह तो इसको काट दो तो एक यूनिट बराबर कितना हो जाएगा बस पांच मीटर पर टूटा जो ये कितना है यहाँ से यहाँ तो दो ही यूनिट है तो पांच गुना दो कर देंगे तो हो जाएगा दस फिट राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए देखिए आपको समझाने के लिए ये बनाया गया है बस और कोई बात नहीं है बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट होता है टिपलेट आप यूज कीजिएगा जी हाँ दस फिट फिट सही आंसर है चलिए तो आज के लिए सेशन को हम यहीं पे एंड करेंगे कल हम लोग फिर से मिलेंगे एक बार फिर से तमाम छात्रों से मुझे अनुरोध है कि जो भी बहुत मैथ्स की क्लास करते हैं बाद में अभी तो सबसे पहले आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें क्योंकि यहाँ से आपको पी मिलता रहेगा YouTube का नोटिफिकेशन से 15 मिनट पहले आपको वीडियो का लिंक मिलता रहेगा कभी क्लास पहले होता है या बाद में होता है तो ठीक है और उसके लिए बहुत ज्यादा कष्ट करने की जरूरत नहीं है मैथ बाई सोनू सर सर्च कर लीजिए या तो दूसरा ऑप्शन एक और है दूसरा ऑप्शन क्या है बॉस तो भाई इसी का वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं तीसरा ऑप्शन क्या है भाई तो हमारे चैनल पे जो भी बच्चे जाना चाहते हैं उसके लिए भाई एकदम आसान तरीके से टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के नाम से हमारा ऐप है इसको डाउनलोड कर लीजिए वहाँ से अभी बहुत सारे कोर्स में ऑफर चल रहे हैं तो आज के लिए इतना ही तमाम छात्रों को शुभरात्रि कल से फिर से मिलेंगे तब तक के लिए जोहार झारखंड जय हिंद जय भारत